नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक नए दिन की और स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। आज घूम रहा हूं मैं खूबसूरत उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आपका स्वागत करता हूं। तो देहरादून का ये जो सफर है मैं शुरू करने लगा हूँ। अभी मैं आया हूँ देहरादून जू और देहरादून में अभी फिलहाल जो है मौसम बहुत ही सुंदर हुआ पड़ा है और सामने जो है मैं मसूरी देख पा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर बादल और खूबसूरत मसूरी शहर जो बसा हुआ है। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है देहरादून जू की एंट्री और यहाँ से अब हम देहरादून जू देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या है यहाँ पे और देहरादून में क्या क्या अट्रैक्शन पॉइंट्स है वो मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा अपने साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और चलिए एक्सप्लोर करते हैं देहरादून जू को। चलिए जी इस तरफ से प्रवेश करें। तो अब जू में हम एंटर कर गए हैं और टिकट प्राइस जो है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो जो नॉर्मल एंट्री टिकट प्राइस है वो है 30 रुपये और फिर उसके अंदर अगर आपको रॉक गार्डन, यहाँ पे शायद एक कैक्टस गार्डन भी है और बहुत सारे और एक्टिविटीज़ भी है तो उसके एडिशनल चार्जेस है। तो टोटल जो मैंने फाइनल प्राइस दिया है वो 90 रुपीज़ पर पर्सन दिया है और 90 रुपीज़ पर पर्सन के एंट्री पे आप मोस्ट ऑफ दी अट्रैक्शंस जो हैं उनको आप कवर कर सकते हो। तो अभी हम डिफरेंट आई थिंक बर्ड स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज का जो कंपाउंड है वो सब हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखो ग्रीनरी पहाड़ों के बीच में। तो जी ये है कोकाटियल, उसका कंपाउंड कितना खूबसूरत पक्षी। ये है सन पैराकीट, तो आप पक्षी की आवाज सुन सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सन पैराकीट यहाँ पे, खूबसूरत पक्षी है। अलेक्जेंड्राइन पैराकीट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे खूबसूरत, और एक ये देखो पास में बैठा हुआ है, इसको जूम करें। अरे आ जाओ आप इधर। ये है सिल्वर फेजेंट, वो है सिल्वर फेजेंट, ये वाला सिल्वर फेजेंट। सिल्वर फेजेंट के बाद अभी जी हम देख रहे हैं गोल्डन फेजेंट और वो दूर है थोड़ा सा, शायद आपको दिखेगा नहीं इतना क्लैरिटी से, लेकिन यहाँ पे भी ये है। तो सिल्वर फेजेंट और गोल्डन फेजेंट इस जू में अभी तक जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ जो मुझे अभी तक देखने को मिली हैं वो हैं पैराकीट्स और फेजेंट्स की, बहुत सारा स्पीशीज़ हैं। और आप देख सकते हो कि घने जंगल के अंदर पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है इन्होंने जू का, और मौसम भी अच्छा है, टेम्परेचर मॉडरेट है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, और आप देख सकते हो रास्ता कितना खूबसूरत है। अब हम आ गए हैं जी पी फाउल के कंपाउंड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी फाउल और मोर भी लग रहा है यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक जो चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे अगर आप ऊपर आप देखोगे कि तो कई लोगों ने और कई सोसाइटीज़ ने ना बर्ड्स को अडॉप्ट भी किया हुआ है, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, जैसे 1 ईयर के लिए या 3 ईयर्स के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे यहाँ पे कि बर्ड्स को अडॉप्ट किया हुआ है उनकी केयर के लिए। तो जी ये अब आपके सामने है अफ्रीकन ग्रे पैरट, और इसके बारे में यहाँ पे फन फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो है कि एक नॉर्मल 4 से 6 साल का बच्चा जो है जो परफॉर्म करता है वो ये भी पैरट जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 100 से ज़्यादा वर्ड्स सीख सकता है और डिफरेंशिएट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, मटेरियल्स और शेप्स के लिए भी, और मिमिक कर सकता है ह्यूमन स्पीच को भी, अफ्रीकन ग्रे पैरट। तो जी ये आपके सामने है अब ऑस्ट्रिच, और शायद इंडिया में किसी जू के अंदर ऑस्ट्रिच मैं पहली बार देख रहा हूँ आई थिंक। हाँ, बहुत रेयर चांस होता है कि जू के अंदर और इंडिया जैसे क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्ट्रिच को देखना, क्योंकि यूजली ये इंडिया में पाया नहीं जाता है। और आपको पता ही है कि ऑस्ट्रिच जो है, जहाँ तक मुझे याद है कि इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड होपफुली। तो अब आप देख सकते हैं
ऑस्ट्रिच और यहाँ पे मेरे को लगता है दो हैं, एक उधर केज के अंदर भी है और एक तो जो ये सामने दिख रहा है शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, मजेस्टिक पक्षी है। तो ऑस्ट्रिच के साथ ही ये आपके सामने है अब एमू। तो एमू जो है ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड्स होता है बर्ड किंगडम के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक वाइट एमू दिख रहा है और एक ग्रे एमू। तो ये आप देखो जी घड़ियाल, यहाँ पे एक दो तीन चार घड़ियाल जो हैं वो धूप का आनंद लेते हुए धूप सेकते हुए आपको दिख जाएंगे। और एक घड़ियाल जो है वो पानी के अंदर भी है, वो अभी यहाँ से इतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप राइट साइड जहाँ से वो पानी आ रहा वहाँ देखेंगे तो आपको एक घड़ियाल पानी के अंदर भी दिखेगा। घड़ियाल के साथ वाले कंपाउंड के अंदर ही यहाँ पे है जी अब मगरमच्छ। तो ये हैं दो मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो कि आप देख पा रहे होंगे। मैं मैश के अंदर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है टॉर्टोइज एंड टर्टल, यहाँ पे है एलोंगेटेड टॉर्टोइज, येलो टॉर्टोइज और ब्लैक पॉन्ड टर्टल, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज हैं। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ रही होगी तो आप वो देख लेना। तो जी अब हम प्रवेश करने लगे हैं कैक्टस एंड सकुलेंट गार्डन। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज कैक्टस की हैं यहाँ पे। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है पौधों को और फूलों को यहाँ पे सजाया हुआ है कैक्टस गार्डन के अंदर। तो कैक्टस स्पीशीज तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और भी जो है पौधे हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ओवरऑल जू बहुत सही है, जैसे यहाँ पे कैक्टस गार्डन है, एक्वेटिक वर्ल्ड है, और बाहर तो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे अलग अलग जो थे पक्षी वो तो थे ही। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और अच्छा खासा दो ढाई घंटे का टाइम जो है यहाँ पे लग जाएगा अगर आप इसको अच्छे से टाइम लगा के अगर आप कवर करना चाहते हो तो। और दूसरी बात ये है यहाँ पे एक 3D मूवी भी है, वो अभी मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि उसको चलाने के लिए शायद इनको 20 लोग जो है उसकी अटेंडेंस चाहिए होती है कि अगर 20 लोग हैं तभी वो मूवी चलती है। अब वो पता नहीं 20 लोग पूरे होते हैं या नहीं होते, तो टाइम लिमिटेड है तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन अगर आप हो ग्रुप में और अगर आप वेट कर सकते हो तो 3D मूवी भी आप ज़रूर देखो। और ऊपर आप देखो जंगल, घना जंगल जू उसके बीच में ही बना हुआ है। तो यहाँ पे है जी स्पॉटेड डियर और इसके साथ उधर वाले कंपाउंड में सांबर भी है। सांबर तो खैर बहुत कॉमन है, आपको कई जगह पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़े जानवर भी हैं। तो अभी कैक्टस गार्डन से मैं बाहर आ गया हूँ और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्पॉटेड डियर। हमारा सफ़र देहरादून ज़ू का तो खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आप दो से ढाई घंटे यहाँ पे आराम से बिता सकते हैं। तो आज जो संडे का दिन है यहाँ पे, संडे के दिन मेरे को अभी दोपहर के 2:05 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत रश है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन द सेंस की एक्सप्लोर करने के लिए हैं। यहाँ पे कैक्टस गार्डन है, एक्वेटिक वर्ल्ड है, अलग अलग बर्ड स्पीशीज़ जो आप देख सकते हो, अलग अलग एनिमल स्पीशीज़ जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और ओवरऑल जो इसका पूरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है और वेदर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी अट्रैक्शन है देहरादून शहर के अंदर, बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पे आप आइए और देहरादून ज़ू को एक्सप्लोर करिए। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ किसी और डेस्टिनेशन की ओर। दिस इज़ अभिनव शर्मा साइनिंग ऑफ।